नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं, भूगोल, पाठ 12, भाग 1, पर्यटन। पर्यटन यह शब्द जैसे ही हम सुनते हैं, हमारे दिमाग, हमारा मन एक सुंदर सी दुनिया की सैर करने लगता है। और यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं स्लाइड में, एक परिवार है, कुछ सामान है और सामान लेकर कहीं जाने की तैयारी है। क्योंकि ये सामान कैसा है, पैक किया हुआ सामान है, सूटकेस है, एयर बैग है, शोल्डर बैग है। तो इसका मतलब ये परिवार कहीं जाने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं पर्यटन क्या है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्यों से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है अपने पर्यटकों के बारे में? ये कहता है कि पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। तो पर्यटन का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने घर के वातावरण से निकलकर हम कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं रहने के लिए। कम से कम 2 दिन का होगा, 4 दिन का होगा, अधिक से अधिक 1 साल के लिए। यदि कोई हम बहुत दूर की जगह पर जा रहे हैं या हमारा कुछ उद्देश्य है तो हमें समय भी लग सकता है। तो तात्पर्य यह कि पर्यटन एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। अब यहाँ पर मैं कुछ स्थान बता रही हूँ आपको, आपको उसमें से एक सूची तैयार करनी है कि आप, यदि आपको सैर करने का मौका मिले, पर्यटन का मौका मिले, तो आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करोगे। तो पहला स्थान है समुद्र तट के समीप वाले स्थान, यानी सी बीचेस पे। दूसरा है ऐतिहासिक स्थल। तीसरा है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है ठंडी हवा के स्थल। और पांचवा है धार्मिक स्थल। अब इन 5 स्थानों में से आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करोगे, आप पहला किस स्थान को पहला आपका प्रेफरेंस रहेगा। कुछ की पसंद हो सकती है कि हम ऐतिहासिक स्थल देखने जाएं, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि नहीं, हम लोग धार्मिक स्थल जाएं देखने के लिए। कई लोग कह सकते हैं गर्मी का मौसम है, चलो ठंडी हवा के स्थान पे चलते हैं, हिल स्टेशन पे चलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, चलो किसी समंदर के किनारे चलते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होगी कि हम अपने पसंद के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। अब हम देखते पर्यटन का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य होता है पर्यटन का कि विभिन्न स्थानों की यात्रा करना। उसके बाद है आनंद प्राप्त करना। यात्रा का उद्देश्य क्या, यात्रा तो हमने की लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम आनंद की प्राप्ति करें, हम खुश हों। मनोरंजन करना, खुश तो हों और उसके साथ साथ कुछ डेली रूटीन से हटकर कुछ नया करें, खेलना कूदना मस्ती करना, है ना, जो अभी हम डेली रूटीन में उतना नहीं कर पाते। लेकिन हम जब पर्यटन पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम कभी अंताक्षरी खेलते हैं, तो कभी कोई खेल खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं। उसका है व्यापार करना, एक उद्देश्य पर्यटन का व्यापार करना भी हो सकता है। दूसरा है ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना। और
अगला है धार्मिक यात्रा। इनमें से कोई भी उद्देश्य हो सकता है आपके पर्यटन का। आइए देखते हैं पर्यटन के कुछ प्रचलित प्रकार। सृजनात्मक पर्यटन, यानी हम कोई उद्देश्य को लेकर चलते हैं और हमें जाकर अपना कोई काम पूरा करना है। जैसे हम अपने एक छोटे शहर में या बड़े शहर में हम रहते हैं और हमारा एक उद्देश्य है कि आदिवासी इलाकों के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं या उनका रहन सहन कैसा है, तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनके इलाकों में। तो हम एक ही दिन में जाके तो इसको हम पता नहीं लगा सकते, तो हम वहाँ पे रहेंगे 2 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कई बार महीनों महीनों तक लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर हम उनके दैनंदिन जीवन का निरीक्षण करेंगे और बहुत सी बातों को नोट करेंगे और अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह का जो पर्यटन है ये सृजनात्मक या उद्देश्यात्मक पर्यटन होता है। दूसरा है मनोरंजन यात्रा, यानी हमारी पूरी यात्रा जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है उसका। शीतकालीन पर्यटन, शीतकालीन पर्यटन, अब आपको लगेगा ठंडी के मौसम में भला कौन घूमने जाता है, गर्मी के मौसम में तो लोग जाते हैं हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, लेकिन ठंडी के मौसम में कौन जाएगा। तो बच्चों शीतकालीन पर्यटन ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर विशेष रूप से बर्फ वगैरह गिरती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छाई रहती है, तो ऐसे समय पे स्केटिंग या स्कीइंग जैसे खेलों का आनंद उठाने के लिए लोग शीतकालीन पर्यटन करते हैं। कई बार बर्फ गिरती है तो बर्फ में जैसे हम बारिश में भीगते हैं वैसे बर्फ गिरने का मजा भी एक अपना अलग होता है। तो बर्फ में भीगना यानी बर्फ गिरती रहे और उस बीच में हम रहें, तो हमारे ऊपर बर्फ गिरती है रुई के फाहों जैसी, तो इस बात को इसको महसूस करने के लिए लोग वहां जाते हैं कि हम शीत ठंडी जगह पर जाएंगे तो जहां बर्फ गिरेगी। तो ऐसे समय में जो पर्यटन होता है उसे हम कहते हैं शीतकालीन पर्यटन। सामूहिक पर्यटन, अधिकांश रूप में हम देखते हैं जो तीर्थ यात्रा की जाती है, धार्मिक स्थलों की यात्रा की जाती है, तो ये अधिकांशतः ग्रुप में होता है और ये सामूहिक पर्यटन का एक हिस्सा है। साहसिक पर्यटन, एडवेंचरस टूरिज्म, जैसे लोग ट्रेकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, या कई बार लोग ऐसे यात्रा करते हैं कि हम मोटर बाइक से लेह लद्दाख तक जाएंगे, तो मोटर बाइक से लेह लद्दाख तक की लंबी यात्रा करना, एक दुर्गम क्षेत्र की यात्रा करना कठिन काम है, ये साहसिक पर्यटन है। कई बार लोग इस तरह से ये करते हैं कि हम बोट में बैठकर ये समंदर के रास्ते हम अलग अलग महाद्वीपों तक पहुंचेंगे छोटी सी बोट में। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में नेवी जो है, नेवी की कुछ महिलाएं थी, कैडेट्स थे, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने छोटी सी एक नाव पे पूरे विश्व की यात्रा की। तो ये साहसिक पर्यटन होता है। अब हम पर्यटन चाहे जो भी करें, जब भी हम पर्यटन के लिए निकलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है नियोजन। हम जैसे हम यदि ठंडे स्थानों पर जा रहे हैं तो हमारे पास गर्म कपड़े होने चाहिए, हम घूमने जा रहे हैं तो हमारे पास कैमरा होना चाहिए। वैसे कैमरा तो आजकल हर एक मोबाइल में होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं फोटोग्राफी वगैरह के, तो वो अपना अलग से कैमरा रखते हैं। एक धूप का चश्मा हमारे पास हो, चाहे ठंडे प्रदेशों में हम जाएं, चाहे नॉर्मल क्षेत्रों में हम जाएं, सूर्य की रोशनी से बचने के लिए एक हम गॉगल्स का उपयोग करते हैं, सनग्लासेस का, और कभी कभी थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए भी हम सनग्लासेस का उपयोग करते हैं, तो गॉगल्स या सनग्लासेस हमारे पास होने चाहिए। पानी की बॉटल, पानी हमारा हमेशा अपने साथ रहना चाहिए, अपने कुछ कपड़े, और ये भी ध्यान रखना है कि सामान तो कम से कम हो लेकिन उपयोग उसका अधिक से अधिक हो। यहाँ हम देख रहे हैं मैप, यानी हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह का मानचित्र। तो मानचित्र आजकल तो गूगल मैप में, स्मार्टफोन है, मोबाइल में, गूगल मैप में सभी कुछ उपलब्ध रहता है, लेकिन जो लोग खोजी यात्रा में विश्वास रखते हैं या एकदम सिस्टमैटिक जो टूरिज्म करते हैं वो अपने साथ मानचित्र भी रखते हैं उस स्थान का, एक छोटी नोटबुक और पेन, ताकि हमें यदि कभी कुछ लिखना हो तो हम उसमें नोट कर सकें, पैसे, और आजकल कैश ले जाने का सिस्टम ज़्यादा नहीं है, लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, और हर जगह ये डेबिट कार्ड मान्य होते हैं बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा हो। तो इस तरह हमें जब पर्यटन के लिए हम निकलते हैं तो हमें बहुत सी तरह की तैयारी करनी पड़ती है।
शहर का स्थान कौन सा है, हमारा नियोजन उस पर भी निर्भर करता है कि हम किस जगह पे सैर करने जा रहे हैं। अब समुद्र के क्षेत्रों में, समुद्र तटीय इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पे हम गर्म कपड़े रख लें तो ऐसा तो नहीं है। पहले हम उस जगह के बारे में जानेंगे, उस जगह के अनुसार हमें क्या क्या सामान उपयोगी है उसकी लिस्ट बनाएंगे। अब हम सैर करने के लिए किस रास्ते से जा रहे हैं, मतलब हवाई मार्ग से जा रहे हैं, जल मार्ग से जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, रेल मार्ग से जा रहे हैं, इसका भी नियोजन हमें करना होता है। मार्ग की उपलब्धता, यदि मान लो कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम सभी मार्ग से पहुँच सकते हैं तो किस मार्ग पर हमें आसानी से हम पहुँच सकते हैं, हमें टिकट अवेलेबल है, मुश्किलें कम हैं, तो ऐसे ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। परिवहन साधन, यात्रा का सामान बहुत ज़रूरी है, सामान कम से कम हो, अधिक से अधिक उपयोगी है। सैर के लिए समय, मतलब किस समय हम जा रहे हैं, ठंडी के मौसम में जा रहे हैं या गर्मी के मौसम में जा रहे हैं, हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या मौसम होगा, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। बजट, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारा बजट कितना है। मान लो हमने 4,000 का या 5,000 का बजट रखा है कि हमें 5,000 रुपये खर्च करने हैं, तो हम 5,000 रुपये में हमारे जाने आने का व्यय, यानी जाने आने का भाड़ा, किराया, हम वहाँ जाकर होटल में रहेंगे उसका खर्च, खाना पीने का खर्च और अन्य कुछ इमरजेंसी खर्चे हमारे पास रहते हैं, तो हमारा बजट कितना है उस बजट के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और करनी चाहिए। यदि हम सामूहिक पर्यटन कर रहे हैं तो यात्रियों की संख्या कितनी है, कितने लोग हम सब इकट्ठे मिल के जा रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए पड़ता है। अब आपके सामने एक भारत का मानचित्र दिया हुआ है, इस मानचित्र में हमें देखना है कि इसमें धार्मिक पर्यटन के कौन कौन से स्थान हैं। तो हम देखते हैं पहले तिरुपति, फिर हम देख रहे हैं रामेश्वरम, तमिलनाडु में देख रहे हैं, एकदम नीचे हमें दिखाई दे रहा है रामेश्वरम यहाँ पर। इसके बाद हम देख रहे हैं जगन्नाथपुरी, उड़ीसा का, उड़ीसा में पूर्वी तट, समुन्द्र का किनारा। उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन। गुजरात में द्वारिका, ये देखो एकदम पश्चिमी किनारा है, ये जगन्नाथपुरी भारत का पूर्वी किनारा और द्वारिका जो है भारत का पश्चिमी समुद्री किनारा। इलाहाबाद, जिसे अब आजकल अभी उसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसके बाद है वाराणसी, बनारस, काशी, अन्य इन नामों से भी ये प्रसिद्ध है। गया, बिहार में है गया। अजमेर, राजस्थान में अजमेर। मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा। जम्मू और अमृतसर, ये जो है हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची। भारत के इस मानचित्र में हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाते हैं, कुछ स्थानों को हम इंगित करते हैं, जैसे पहला है एलोरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं, उसके साथ साथ अजंता, अजंता एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। झांसी, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर, झांसी की रानी के बारे में हम पूरी जानकारी यहां जाकर ले सकते हैं, उनके कुछ यहां पर स्मृति स्थल हैं, उनकी हम सैर कर सकते हैं, तो झांसी। इसके बाद खजुराहो, दिल्ली, वाराणसी, हालांकि वाराणसी अपने धार्मिक पर्यटन स्थल की सूची में भी आता है, इसके साथ साथ वाराणसी एक ऐतिहासिक शहर भी है, तो वाराणसी में ऐतिहासिक पर्यटन अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और पटना, मगध साम्राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्र जिसे हम कहते थे, वो आज का पटना है। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं जिनके नाम हम इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्थान हम देख रहे हैं जैसलमेर, जैसलमेर का जो इलाका है वो, वहाँ बहुत सारे किले हैं, तो जैसलमेर का किला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो इसके अलावा उज्जैन हम देख रहे हैं, उज्जैन धार्मिक पर्यटन स्थल भी है और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है। खजुराहो जो है ये ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, तो इस हिसाब से बहुत सारे इसमें पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिन्हें हम
ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची में ले सकते हैं। अब देखते हैं अगले मानचित्र में ठंडी हवा के स्थलों की सूची। जहाँ पे गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हम जहाँ की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ का मौसम ठंडा रहे, तो उसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे आ रहा है उदक मंडलम, जिसे हम पहले ऊटी कहते थे, उदक मंडलम। इसके बाद है शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला। मसूरी के पास यहाँ पर है नैनीताल। और इसके बाद है श्रीनगर, कश्मीर। लेह, दार्जिलिंग, ये कुछ ठंडी हवा के स्थलों की सूची है। अब इसके बाद हम देखते हैं अभयारण्य स्थलों की सूची। ऐसे स्थान जहाँ पर अभयारण्य बनाए गए हैं, जहाँ पर ऐसे जानवर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनका संरक्षण किया जाता है और उन्हें प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है, उन्हें पिंजरों में नहीं रखा जाता। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा है अभयारण्य में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का ताड़ोबा उद्यान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा आसाम का काजीरंगा, राजस्थान का भरतपुर, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट अभयारण्य है, महाराष्ट्र का मेलघाट, ये प्रमुख कुछ अभयारण्य हैं जो इस मानचित्र में हमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमें निकालनी है समुद्री तट वाले स्थलों की सूची। समुद्री तट वाले स्थलों की सूची एकदम आसान है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। जो भी यहाँ समंदर के किनारे दिख रहे हैं, वो सभी समुद्री तट वाले स्थल हो गए। जैसे कौन कौन से हैं, सबसे प्रमुख तो हम सबसे पहले कौन सा ले सकते हैं, हमारा मुंबई शहर, आमची मुंबई। कहाँ है आमची मुंबई, तो ये है मुंबई। मुंबई के बाद हम देख रहे हैं यहाँ, हम जैसे दक्षिण की तरफ चलते हैं तो यहाँ गोवा, पणजी, और हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी, मंगलुरु। पूर्वी किनारे में हम देखें तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी धार्मिक स्थल के रूप में, यह समुद्र का किनारा भी है। तो ये सब जो है प्रमुख समुद्री तट वाले स्थलों की सूची। इसके अलावा द्वारका भी जो है ये समुद्र के एकदम पश्चिमी तट पर बसा हुआ है, तो ये भी समुद्र का किनारा है और इसकी सूची, इसको हमने धार्मिक स्थलों की सूची में भी लिया था। अब ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं, हमने इनको पर्यटन की सूची में क्यों रखा, कुछ तो कारण होगा ना, हम तो सभी जगह गए नहीं हैं, लेकिन ये स्थान प्रसिद्ध हैं और इसी वजह से हमने इनको अपने सूची में रखा। इनकी ख्याति के कारण क्या हैं, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, तो इनके इन स्थानों की प्रसिद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो पहले प्राकृतिक सुंदरता, कुछ स्थान जो हैं प्रकृति ने ही उन्हें सुंदर बनाया है, जैसे हमने श्रीनगर कश्मीर की बात की, शिमला, मसूरी, नैनीताल की बात की। दूसरा है मन भावन जलवायु, जहाँ की जलवायु हमें अच्छी लग रही है। तीसरा है ऐतिहासिक शिल्प, ऐसे स्थान जहाँ पर ऐतिहासिक शिल्प है, ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक भवन स्मारक बने हुए हैं, तो वो ये उनकी प्रसिद्धि का कारण है। गर्म पानी के कुंड, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलते रहता है। समुद्री तट, मनोरम दृश्य, वन्य प्रदेश और धार्मिक स्थल, ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण अभी जो हमने स्थान बताए वो सारे स्थान प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता। ये है हमारे महाराष्ट्र राज्य में भंडारदरा, और ये तो कश्मीर का प्रसिद्ध ट्यूलिप। ये ऐतिहासिक स्थल यदि हम देखें तो ये है हमारे दिल्ली का कुतुब मीनार, ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ और दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। ऐसे अनेक ऐतिहासिक स्थल हमारे पूरे देश में हैं और इन ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा या प्राकृतिक प्रदेशों की यात्रा या अभयारण्यों की यात्रा मैंने स्वयं की है, पर्यटन मुझे अच्छा लगता है। तो ये विजय स्तंभ चित्तौड़ का, ये गर्म पानी का कुंड जहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है, और ये जो गर्म पानी होता है ये इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं,
तो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी ऐसी जगहों पर जाते हैं। ये है अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य काजीरंगा आसाम वन्य प्रदेश के अंतर्गत है। ये यहाँ की भी सैर मैंने की थी, तो मैं इस चित्र को यहाँ शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं सकी। धार्मिक स्थलों की यात्रा भी हम बात करें तो यह है आसाम का कामाख्या देवी मंदिर। तो धार्मिक स्थल हमारे देश में बहुत सारे हैं। समुद्री तट, या हमारे गोवा का समुद्री तट है, चाहे अलीबाग में हो। भारत में देखा जाए तो भारत तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारत में समुद्री तट की कोई कमी नहीं है। यदि हम राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन का विभाजन करें तो दो हमें रूप नजर आते हैं, घरेलू या स्वदेशी पर्यटन और दूसरा होता है विदेशी या अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। घरेलू या स्वदेशी पर्यटन किसे कहते हैं? जो हम अपने देश के अंदर जो यात्रा करते हैं, देशांतर्गत भागों में किया जाने वाला पर्यटन जो है, ये स्वदेशी या घरेलू पर्यटन कहलाता है। जैसे हम भारत के किसी भी राज्य में हम यात्रा करें, मान लो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र से यदि हम तमिलनाडु की यात्रा करें तो हम अंतर्गत पर्यटन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हम कन्याकुमारी के लिए पर्यटन करने के लिए जाएं, या महाराष्ट्र से हम मध्य प्रदेश जाएं, कश्मीर जाएं, आसाम जाएं, शिलांग जाएं, मेघालय जाएं, पश्चिम बंगाल जाएं, गुजरात, राजस्थान, हम यदि भारत के अंदर ही किसी भी राज्य की सीमा में जाते हैं तो यह पर्यटन घरेलू या स्वदेशी पर्यटन कहलाता है। क्योंकि भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं, और इस नाते यह हम अपने घर की सीमा में हैं, अपने देश की सीमा में हैं, तो ये घरेलू पर्यटन या स्वदेशी पर्यटन कहलाता है। दूसरा है विदेशी पर्यटन। जब हम अपने देश की सीमाएं लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाते हैं तो इसे कहते हैं विदेशी पर्यटन। जैसे यदि भारत का कोई व्यक्ति है, वो यूरोप घूमने के लिए जाए, स्विट्जरलैंड जाए, नियाग्रा प्रपात देखने के लिए जाए, अलास्का की सैर करें, या किसी और स्थान पे जापान में घूमने जाएं, सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, तो ये हम अपने देश की सीमा लांघ कर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन या विदेशी पर्यटन कहलाता है। उसी तरह वहां के लोग भी हमारे देश में घूमने आए, चीन से आते हैं हमारे यहाँ लोग, जापान से आते हैं, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, दुनिया भर के अनेक देशों से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो ये भी सारा जो पर्यटन होता है वो भी विदेशी पर्यटन है, क्योंकि वे यात्री अपने देश की सीमा लांघ कर हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये जो जब भी हम अपने देश की सीमा लांघ कर दूसरे देश में जाते हैं, या दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश की सीमा क्रॉस करके हमारे देश में आता है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, तब वो विदेशी पर्यटन कहलाता है। आप यदि किसी देश की सीमा चोरी से लांघते हो, किसी बॉर्डर को हम किसी देश का बॉर्डर चोरी से, बिना किसी अनुमति के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के हम यदि बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वह चोरी है, वो गलत है, और वह अपराध की श्रेणी में आता है। यदि इस ऐसे किसी यात्री को पकड़ा जाए जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, बिना प्रॉपर चैनल के, बिना अनुमति पत्र के यदि वो दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। ये हमेशा ध्यान रखो, विदेशी पर्यटन तब मान्य होता है जब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या क्या है उसके बाद चर्चा में आगे करूंगी, तो हम जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ किसी देश की सीमा में प्रवेश करते हैं तब वह विदेशी पर्यटन या अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। और यदि हमने अनधिकृत रूप से विदेश किसी सीमा में प्रवेश किया दूसरे देश की सीमा में तो वह आपराधिक श्रेणी में आता है। कुछ राष्ट्रीय नीति निर्माताओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए इंट्रा बाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने की प्राथमिकता रखी है। अब इंट्रा बाउंड पर्यटन क्या है? अपने देश में, हमारे देश में बहुत सारे देखने लायक, घूमने लायक स्थान हैं, उन स्थलों से लोगों को परिचित कराना, उसके बारे में विज्ञापन करना और उस विज्ञापन का प्रचार प्रसार करना, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा बाउंड पर्यटन।
हमारा देश तो भारत देश तो प्राचीन समय से ही पर्यटन को महत्व देते आया है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, जो यहाँ का थिंक टैंक था, उसने हमेशा पर्यटन को महत्व दिया। प्राचीन गुरुओं ने, ऋषि तपस्वियों ने भी यह कहकर पर्यटन की महिमा बताई है कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी होकर रह जाता है। पर्यटन जीवन का महान गुरु है। पर्यटन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो कुछ हम क्लास में बैठकर किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, सीखते हैं, उससे ज़्यादा जब हम पर्यटन करते हैं तो उससे ज़्यादा हम सीखते हैं। हम लोगों के बीच अपने को एडजस्ट करना सीखते हैं, कम से कम सामान में जीना सीखते हैं। हर देश की प्रकृति को, जलवायु को, सांस्कृतिक विविधता को नज़दीक से जानते हैं तो हमें अपने आप उस लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, सद्भावना की सोच बढ़ती जाती है। तो पर्यटन जीवन का महान गुरु है। अब हमने बात की थी इंट्रा बाउंड पर्यटन की, उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस ने अपने एक टूरिज्म इंडस्ट्री का एक उन्होंने लोगो बनाया है, एक उन्होंने पंच वाक्य बनाया है, वाओ फिलीपींस। इसी तरह से मलेशिया ने अपने देश का कैसे बनाया है, मलेशिया ट्रूली एशिया। अमेरिका वालों का कैसा है, यूएसए का सी अमेरिका। सिंगापुर वालों का क्या है, उनका वाक्य है यूनिकली सिंगापुर। कनाडा वालों ने बनाया है गेट गोइंग कनाडा। भारत का भी कुछ आपको याद आया, भारत का भी एक वाक्य है इस तरह का इंट्रा बाउंड पर्यटन का। तो देखते हैं क्या है, संयुक्त राज्य सी अमेरिका, मलेशिया मलेशिया ट्रूली एशिया, गेट गोइंग कनाडा, वाओ फिलीपींस, यूनिकली सिंगापुर। और न्यूजीलैंड का है 100% प्योर न्यूजीलैंड। और भारत का है इनक्रेडिबल इंडिया। याद आया ना आपको, आपने बहुत सारे इसके विज्ञापन देखे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलता है इनक्रेडिबल इंडिया। तो भारत में जितने भी पर्यटन योग्य स्थल हैं, हर राज्य के स्थल हो, हर प्रकार के, चाहे धार्मिक पर्यटन के हो, आध्यात्मिक हो, शैक्षणिक हो, साहसिक पर्यटन हो, या उसको ठंडी हवा के स्थान हो, हिल स्टेशंस हो, या अभयारण्य हो, इन सबको एक सिस्टम से इनको इनका प्रचार प्रसार किया जाता है, इनके बारे में लोगों को बताया जाता है और इस विज्ञापन बनाए जाते हैं इसके। तो ये पर्यटन इंट्रा बाउंड पर्यटन का उदाहरण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन, हम सब परिचित हैं, और ये हम जो लोगो देख रहे हैं जीपीएस का, हम देख रहे हैं गूगल मैप में इस तरह के सिंबल हमें दिखाई पड़ते हैं। और आजकल तो हम सब बच्चे, आप सभी बच्चे इनसे अच्छी तरह से परिचित हो। तो पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके लिए गूगल मैप जैसे एप्स का उपयोग भी हम करते हैं। इस प्रणाली में मानचित्र के कारण हम निश्चित रूप से कहाँ पर हैं इसका पता हमें चलता है। अनजान रास्तों पे भटकने की जो पहले बात होती थी, अब वो बात नहीं होती। हम आराम से किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। और पर्यटन के लिए बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। विदेशी पर्यटन की अभी मैंने बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की, उसके लिए हमें क्या आवश्यक है, कुछ मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। तो हम सब जानते हैं कि विदेशी पर्यटन के लिए हमें पासपोर्ट, वीजा, यात्री बीमा और अन्य आवश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करनी पड़ती है। कहीं भी हमें दूसरे देश की यात्रा करनी है तो पहले हमें अपने देश की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और अनुमति लेने के लिए उसके बहुत सारे कागज मांगे जाते हैं। आपका आधार कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि आप उस देश की यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां से यात्रा करके सकुशल अपने देश में लौट आए। आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए वहां रहोगे, आपका खाना पीना, आपका खर्च कितना होगा, ये सारी चीजों का हमें ब्यौरा देना पड़ता है। और उसके लिए पूरे हमें पेपर जमा करने पड़ते हैं। जब सरकार को लगता है, जो वीजा डिपार्टमेंट है उसे लगता है कि हाँ इनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो आपको इसकी अनुमति देते हैं और इसे कहते हैं वीजा। और जो आपको टिकट बन एक बुकलेट होती है उसे हम कहते हैं पासपोर्ट। उस पासपोर्ट में ये नोट किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को यहाँ का वीजा मिला है। जैसे हमें जापान जाना है तो वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर के बाद
आपको अनुमति मिल गई है तो आपके उस पासपोर्ट पर वो अंकित रहता है। आपको अपना इंश्योरेंस कराना पड़ता है, यात्री बीमा होता है, तो इस तरह से कागज आवश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी पर्यटन के लिए हम जिस देश का पर्यटन करने जा रहे हैं उस देश की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए, करेंसी। जैसे भारत में कोई आया तो उसको क्या, यहाँ पे डॉलर तो नहीं चलेगा मार्केट में, यहाँ मार्केट में पाउंड नहीं चलेगा, यूरो नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, रुपये, हमारे देश की करेंसी रुपया। वैसे हम अमेरिका में घूमने गए तो हमारा रुपया वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ हमें डॉलर चाहिए। हम यदि यूरोप में घूमने गए तो हमें यूरो चाहिए। तो हम जिस देश में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मुद्रा कैसे आएगी, हम तो रहते हैं भारत में, तो हमारे पास यूरो, डॉलर, पाउंड ये कैसे आएगा? तो इसकी सुविधा भी सरकारें करती हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में हमें जब किसी जिस देश का पासपोर्ट और वीज़ा हमें जब क्लियर हो जाता है कि हमें उस देश में जाना है, तो जो एक डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हमें उतने पैसे इंडियन करेंसी में जमा करने पड़ते हैं, और जितने हमें उसकी भी लिमिट रहती है। आप ऐसा नहीं कि कुछ कितना भी पैसा ले जाओ, आपको कम से कम और अधिक से अधिक एक लिमिट रहती है कि यदि आपको वहाँ 15 दिन के लिए घूमने जाना है, आप फ्रांस घूमने जा रहे हो, आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो, आप अमेरिका जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, तो उस देश की मुद्रा के हिसाब से हमें एक लिमिटेशन रहता है और उस लिमिटेशन के हिसाब से हमें वो करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है। और वो करेंसी एक्सचेंज करके हमें भारत सरकार के विभाग से ही हमें वो मिलता है। तो इसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा का संकलन अपने पास करना। कैसे हम संकलन करते हैं? यह संकलन हम करते हैं उस डिपार्टमेंट में जाकर, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। संकलन करते हैं मतलब इकट्ठा नहीं कर लेते अपने पास की, रखते जाएंगे, ये उस कालावधि के लिए अपने पास हम इसको इकट्ठा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब ये पूरा हम एक काम कर लेते हैं तभी हम फॉरेन की यात्रा या विदेश पर्यटन कर सकते हैं, और उसके लिए अपनी मुद्रा उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करवानी पड़ती है। तो उस करेंसी का रेट, हर रोज का रेट आता है उसका। जैसे यदि हम बात करें डॉलर की, US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, तो डॉलर की आज का रेट डॉलर का क्या है? तो इसका जो है, ये जो फॉरेन जो भारत सरकार का या किसी भी देश का जो ऑथेंटिक सेंटर होता है वहाँ से इसकी सूचना मिलती है कि अभी जैसे आज डॉलर का रेट क्या है। तो आज डॉलर का रेट है, एक डॉलर जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका रेट है 75.42 इंडियन रुपी, यानी एक डॉलर वहाँ का उसकी कीमत कितनी हो गई भारतीय रुपये में, 75.42 रुपया एक डॉलर की कीमत है। तो आपको उसके हिसाब से, आप 10 दिन यदि वहाँ रहने वाले हैं तो आपका 10 दिन में अनुमानित खर्च कितना होगा, और उसके उस हिसाब से आपको डॉलर की परमिशन मिलती है, और वो डॉलर आपको फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे मिल जाता है। तो जब हम इन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं तो हमें विदेशी पर्यटन की अनुमति मिलती है। और यदि इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए बिना हम अनधिकृत रूप से बिना सरकार की अनुमति के विदेशी पर्यटन करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि आप पकड़ लिए जाते हैं किसी देश में, या कोई किसी दूसरे देश का यात्री हमारे यहाँ आया है बिना वीज़ा के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फॉरेन करेंसी, प्रॉपर फॉरेन करेंसी के, तो वह जो है गलत होता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि ऐसा व्यक्ति को पकड़ लिया जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। जानते हैं पर्यटन का महत्व क्या है, मनुष्य को क्यों पर्यटन करना चाहिए, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ा है, वर्तमान समय में हम देखें तो पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय है। पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी पूरे विश्व को मिलती है। विदेशी पर्यटकों के आने से देश की विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। पर्यटन स्थलों के विकास होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो यदि देखा जाए तो पर्यटन जो है किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। जिस देश में जितना अधिक पर्यटन है उतनी अधिक विदेशी मुद्रा उसको मिलती है, वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार अधिक मिलता है, और लोगों में परस्पर बंधुता, विश्व बंधुता की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति
सहृदयता और सद्भावना का विकास होता है, तो इस तरह पर्यटन न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।